हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ निशांत और अभी मैं फिर से जा रहा हूँ हिमाचल। फ्रेंड की शादी है, तो जिसकी शादी है वो भी मेरे साथ ही जा रहा है अभी, तो उससे भी मिलवाता हूँ और बाकी सबसे भी मिलवाता हूँ। चलते हैं सीधा उसके घर पे। ए फ्यू मिनट्स लेटर। तो ये देखिए भाई साहब, ये अपना ब्रीफ केस पूरा कैसे भर चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं वो चीज़? गपा गप भर दिया इन्होंने और अब ये डिग्गी में नहीं आएगा स्विफ्ट की, तो इसको अब खाली किया जा रहा है और इसमें डाला जाएगा सामान। और यही हमारा दूल्हा, इसी की शादी है। और ये भुक्कड़ मैं खत्म कर दूँ सारा, और क्या खत्म कर दे, हम तो फेंकने वाले थे। ये दाल चावल लपेट रहे हैं। अरे आराम से, अब तो मक्खन आएगा। तू बनेगा स्मृति ईरानी? भाई ये लिफ्ट इतनी छोटी है, मैं ही जा पाऊंगा इसमें। Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. ये कुत्ता बैठा है, आई होप मेरे पीछे ना पड़े। दिख ही नहीं रहा। वैसे सही है, सबका एड्रेस हो गया पीछे। तो हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। पीछे सामान देखो कैसे रखा हुआ है। ऐसे याद है लंबे सफर का। अरे मेरा भाई था ना। ये देखिए हमारा दूल्हा चरवा रहा है। तो बस हम निकलते हैं यहाँ से। पेट्रोल तो डलवा लिया तूने? हाँ, फुल डिग्गी में रख ले। डिग्गी में रख ले, किसमें रख ले आगे? बस कर ले बस। अभी इसमें उल्टी आ रही है ये सारी। कितने का है रे? पर्ची में देखियो। 70 रुपये है। टोल बना दिया, टोल बूथ तक तो है नहीं इनके पास। ये देखिए पैसे, पैसा हमें पानीपत टोल पे। और अभी जैसे मैंने देख लिया होगा आप लोगों ने कि हमारी गाड़ी थक चुकी है। इतना बेवकूफ ड्राइवर था, क्या बोलूँ मैं, अब क्या बोलूँ, कुछ नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे फंस गए हैं, तो अब हम ये करेंगे कि हम इसको टो करके वापस दिल्ली लेके जाएंगे और फिर देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो फ़िलहाल पॉट लग गई है। अच्छी बात यह है कि किसी को भी चोट नहीं आई, सब सही सलामत हैं। गाड़ी की कंडीशन मैंने आपको दिखाई दी है, जो भी होगा देखेंगे। तो अब हम ये टो करके वापस दिल्ली लेके जा रहे हैं। अब जो होगा देखी जाएगी। तो करने वाले लेगा हमसे 5700 रुपये और पूरे जहाँ पर भी हमें इसको छोड़ना होगा वहाँ छोड़ देगा। देखते हैं अब क्या होता है आगे। सोचा ना था कोई गाना बजा रहे हैं।
तो आपने वीडियो देख ही लिया है कि क्या हुआ हमारे साथ और ये क्यों हुआ हमें भी नहीं पता। हम सब लोग 8 तारीख को यहाँ से निकले, करीब 12:30 बजे हम पहुँचे पानीपत और पानीपत में ड्राइवर को आ गई झपकी, जबकि हम सब लोग जग रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, फिर भी ड्राइवर को झपकी आ गई और उसने ट्रक में घुसा दी। जितने भी प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं उनको नींद तभी आती है जब सब लोग सो जाते हैं, जब सब लोग सो जाते हैं तो उसको नींद आती है, लेकिन उसको फिर भी नींद आ गई। लेकिन अगर उसको नींद आ रही थी तो उसको हमें बताना चाहिए था, हम उसको चाय वाय पिला देते, लेकिन उसने हमें बताया नहीं और सीधा ठोक दी। सबसे अच्छी बात ये थी कि हम पांचों लोग सेफ थे, किसी को भी कोई स्क्रैच तक नहीं आया, ड्राइवर भी बिल्कुल सेफ था, बाकी सारे लोग भी सेफ थे और वो ट्रक वाला भी सही होगा क्योंकि वो उसने रोकी नहीं गाड़ी, वो आगे निकाल के ले गया। वैसे भी ये ट्रक और गाड़ी की टक्कर में गाड़ी वाले की बैंड बजती है, इसी वजह से हम लोग अनूप की शादी में भी नहीं जा पाए। ये वीडियो मैंने इसलिए डाला है ताकि मैं आपको एक अपडेट दे सकूँ कि मैंने इतने दिन से वीडियोज़ क्यों नहीं डाले। उसका रीज़न यही था, ये एक एक्सीडेंट जिसकी वजह से मैं कुछ उसके बाद कर नहीं पाया, मतलब मन ही नहीं किया कुछ करने का, तो मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाला, मैं कहीं गया भी नहीं। लेकिन अब 22 तारीख को मैं वापस जा रहा हूँ रोड पर, लेकिन इस बार फैमिली के साथ जा रहा हूँ बद्रीनाथ। उसका मैं प्रॉपर व्लॉग तो नहीं करूँगा लेकिन फिर भी एक बद्रीनाथ की वीडियो ज़रूर डालूँगा। उसके बाद होगी बाइक ट्रिप जो कि होगी सच पास, जो कि है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, और उस पास को खुलने में अभी करीब 10-12 दिन लगेंगे, तो जैसे ही वो खुलेगा तो वहाँ की राइड होगी। आई होप इसी मंथ खुल जाए ताकि मैं उसको कवर कर पाऊँ और आप सबको दिखा सकूँ। सचपास से रिलेटेड सारी अपडेट जो हैं वो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मैं डाल रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना ताकि आपको पता लग जाए कि मैं कब निकल रहा हूँ और कब उसकी वीडियोज़ आएंगी। तो बस इतना ही था जो मुझे अपडेट करना था। अब मैं वीडियो दोबारा डालूँगा, हर वीक वीडियो आएगी जैसे कि आ रही थी अब तक। इस बार थोड़ा गैप लंबा हो गया, कोई बात नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। टाटा बाय बाय।